नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगातार ट्रेनों में हो रही चोरियों की घटना को रोकने के लिए जबलपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्रों को तेज कर दिया है। जीआरपी पुलिस के अनुसार मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, तभी पुलिस ने जाल बिछाया और घेराबंदी कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जांच करने पर युवकों के पास से चोरी करने के उपकरण भी मिले, जिनमें चाबियों के गुच्छे, कटर, ब्लेड, पेचकस और आधा दर्जन मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी गोहलपुल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिली कि रात्रि में सिकंदराबाद ट्रेन को रोकने के लिए कुछ लोग योजना बना रहे हैं इटारसी छोर में। इस सूचना पर हमारा स्टाफ और गवाहों को ले जा करके उनके पास अंधेले में जाकर देखा, उनकी बातों को सुना तो आपस में बातें कर रहे थे कि जब सिकंदराबाद ट्रेन आएगी उसमें चढ़ करके अपन लूट लेंगे। इस सूचना पर गवाहों को सुनवाया, स्वयं सुना और मुखबिर के सूचना बताया था, जाके दबिश दिया तो तीन व्यक्ति मिले। तीनों व्यक्ति से आला जरा मिले हैं जो चोरी में उपयोग करते हैं और इन आरोपियों के कब्जे से 6 नग मोबाइल, कुल कीमती 45,000 रुपए के मोबाइल बरामद हुए हैं। जबलपुर के खिलाड़ी विवियान जॉन का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के तत्वाधान में इंडो नेपाल टेनिस वॉलीबॉल में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। संस्कार दानी के खिलाड़ी विवियान जॉन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और टीम को प्रथम स्थान दिलाने में अहम भूमिका अदा की। साथ ही विवियान ने स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए देश और शहर का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता 1-3 दिसंबर को नेपाल के काठमांडू में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत से गए 10 युवा खिलाड़ियों ने अन्य देशों से आई टीमों को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। मैं इंडिया टीम से इंटरनेशनल टीम खेल के आया हूँ अभी नेपाल से, उसमें फर्स्ट प्लेस मारी है इंडिया ने, गोल्ड मेडल। कौन सा गेम था? टेनिस वॉलीबॉल गेम था। नेपाल में जो टूर्नामेंट हुआ है काठमांडू में, है ना, टेनिस वॉलीबॉल का, और ये एक पूरी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी और इसमें अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे और उसमें इंडिया की टीम गई थी और उसने फर्स्ट प्लेस मारा इंडिया की टीम ने, और उसमें हमारे जबलपुर का एक लड़का उसका एक मेंबर था उस टीम का, और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है उसको देखते हुए ऐसा, और ऐसे भविष्य में आने वाले समय में और भी लोग आगे आए। गुरुवार को कोतवाली थाना अंतर्गत मिलौनी गंज स्थित हरदौल मंदिर के पास खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीलेश जैन के पॉलिथिन गोदाम में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में दो कमरों में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पॉलिथिन भरी हुई थी। फिलहाल खाद्य विभाग ने पॉलिथिन जब्त कर इस मामले को जांच में ले लिया है। रूतराहा के पास श्री नीलेश जैन के गोदाम का तो ये पाया कि सघन बस्ती क्षेत्र में अति ज्वलनशील पॉलीथीन का दो कमरों में जबरदस्त रूप से भंडारण करके रखा गया है कि यदि कभी धोखे से भी यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना होती है अग्नि की तो पूरी सघन बस्ती क्षेत्र उस चपेट में आ जाए। उसी के तहत आयुक्त आदेश के उपरांत आज इसको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।